नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग विषय को पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में दो प्रकार के रीजनिंग होते हैं, एक भाषिक और एक अभाषिक। भाषिक को वर्बल रीजनिंग और अभाषिक को नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण में यह हमारा भाषिक रीजनिंग का अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। इसमें हम बात करेंगे आज अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण की, ऑर्डरिंग ऑफ न्यूमेरल्स एंड लेटर्स टेस्ट। यह वैसे हमारी रीजनिंग की 15वीं कक्षा है। हमने रीजनिंग को अल्फाबेट टेस्ट से प्रारंभ करते हुए यह अंतिम कक्षा तक आज पहुँचे हैं, जो वर्बल रीजनिंग की हमारी कक्षाएं हैं। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया हमारे प्ले इलेवन क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाएं और वर्बल रीजनिंग की जो भी कक्षाएं हैं उनको शुरू से अंत तक देखें। निश्चित ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप बेहतर परफॉर्मेंस रीजनिंग के एग्ज़ाम में, टेस्ट में कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि अंक एवं वर्ण क्रम परीक्षण टेस्ट क्या होता है। तो इसमें हम जैसा प्रश्न दिया गया है आपके व्हाइट बोर्ड पे, तो आप देख पा रहे हैं कि इस टेस्ट के तहत, इस परीक्षण के तहत अंकों या वर्णों की एक विशेष श्रृंखला दी जाती है तथा उसी श्रृंखला के अनुरूप प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न हैं, कुछ आगे और प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा है कि अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे पाँच हैं जिनके तत्काल पहले जानते हैं, मतलब ये कोई अंक है तो पहले ये, बाद में ये पहले और ये बाद, ये जो भी अंक है। जब भी बात करेगा कि जो भी संख्या श्रृंखला दी गई है, जो आप देख पा रहे हैं, इस कोई स्पेसिफिक नंबर्स दे देगा, लेटर्स दे देगा, शब्द दे देगा, तो उसमें बताएगा कि उसके पहले, उसके बाद, उसके ठीक पहले, एक अंक बाद, दो अंक बाद, एक शब्द बाद, दो शब्द बाद, दो लेट अक्षर बाद, एक अक्षर पूर्व। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जो स्पेसिफिक नंबर है तो पहले कहेंगे, तो हम किधर बढ़ेंगे, पहले कहेंगे तो बाएं की तरफ और बाद में कहेंगे तो दाहिने की तरफ, उस अंक से, उस स्पेशल जो आर्टिकल है उसको लेकर हम सवालों को हल करेंगे। तो दिया है कि अंकों की श्रृंखला में, ये अंकों की हमारी श्रृंखला है, ये अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे पांच हैं, हम पांच पे ध्यान देंगे, जिनके तत्काल पहले मतलब बाई तरफ सम संख्या है परंतु बाद में सम संख्या नहीं है, बाई की तरफ सम संख्या है लेकिन दाहिने तरफ सम संख्या नहीं है, ऐसे प्रश्नों, ऐसे हमें देखना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उस स्पेसिफिक नंबर को पहले देखते हैं, उसके बाद जो कंडीशन अप्लाई होती है उस कंडीशन के अनुसार हम काम करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने पांच हैं जिनके तत्काल पहले तो सम संख्या है लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है। सम संख्या से मतलब 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होती है, इसके पहले तो है लेकिन बाद में ये सम संख्या नहीं है। तो देखते हैं कि ऐसे कितने पाँच है, पहले पाँच पे बिंदु लगा देंगे, 1, 5 है हमारा, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 7, इतने पाँच हैं। अब इसमें देखना है कि कितने पाँच ऐसे हैं जिनके पहले सम हैं परंतु बाद में सम नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहले पाँच की तरफ देखेंगे, पहले सम है, तत्काल पहले सम संख्या है, तो ये पाँच कट गया, इसके तत्काल पहले क्या है, विषम संख्या है, तो ये नहीं है। फिर इस पाँच पे आते हैं, तत्काल पहले सम संख्या है परंतु बाद में सम संख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर इस पाँच पे आएंगे तो तत्काल पहले सम संख्या भी है और बाद में सम संख्या भी नहीं है, तो एक हमारा पाँच ये हुआ। समझ पा रहे हैं बात को, लिखा है कि पाँच, कितने ऐसे पाँच हैं जिनके तत्काल पहले सम संख्या है, तो तत्काल पहले सम संख्या, 6 हमारी लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है, तो बाद में सम संख्या नहीं है। फिर इस पाँच को देखेंगे तो इस पाँच में तत्काल पहले विषम है और तत्काल बाद में सम है, सीधे उल्टा। फिर इस पाँच को देखेंगे तो इसके तत्काल पहले भी सम है और तत्काल बाद में भी सम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इस पाँच को देखेंगे, ये वाला जो हमारा पाँच है, देखिए इसके तत्काल पहले सम संख्या है और तत्काल बाद में सम संख्या नहीं है, तो एक हमारा ये भी पाँच हुआ। तीसरे पाँच की तरफ बढ़ेंगे,
तो इसके भी तत्काल पहले सम संख्या है, बाद में सम संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा पाँच आएगा। तो ऐसे पाँच, ऐसे कितने पाँच हैं जिनके तत्काल पहले सम संख्या आती है लेकिन तत्काल बाद में सम संख्या नहीं आती है, अर्थात या तो विषम संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसे पाँचों की संख्या एक दो तीन, ऐसे कितने पाँच हैं? तीन। फिर से समझिए, यह अंकों की एक श्रृंखला दी गई है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने पाँच हैं जिनके पहले में सम संख्या है लेकिन बाद में अर्थात दाहिने सम संख्या नहीं है। हम एक पाँच के तरफ देखें तो इसके पहले विषम संख्या है लेकिन सम संख्या पूछा है, तो इस पाँच को छोड़ देंगे। दूसरे पाँच में भी देखेंगे कि इसके पहले भी विषम संख्या है तो इसको भी छोड़ देंगे। तीसरा जो पाँच हमारा है इस श्रृंखला का, उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो देखेंगे कि पहले अर्थात बाएं की तरफ सम संख्या है, दाहिने बाद में सम संख्या नहीं है। जो यह नियम दिया है, आर्डर दिया है कि इसके अनुरूप पाँच को छांटना है, इसको ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। तो ऐसे पाँच की संख्या कितनी है? तीन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। अब देखिए, अब ये अंकों की श्रृंखला रही, अब ये वर्णों की श्रृंखला आ गई और अगला प्रश्न जो है ये अंकों की श्रृंखला है। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आज के इस कक्षा में। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों की श्रृंखला में कितने ऐसे ए हैं जिनके तत्काल पहले बी नहीं है परंतु बाद में सी है। ऐसा कितना ए है, ये ए हो गया, जिनके तत्काल पहले बी नहीं है, बी नहीं है इज नॉट इक्वल टू, लेकिन तत्काल बाद में क्या है? सी है। अब पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो जिस स्पेसिफिक लेटर्स की बात की जा रही है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो पहले ए को देखेंगे कि इस श्रृंखला में ए कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए, देखिए एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, पाँच ए, छः ए, सात ए हैं इस श्रृंखला में। अब देखना है कि इस कंडीशन को, यह जो आपको शर्त रखी गई है, उस शर्त के अनुसार ऐसे कितने ए मिलेंगे जिनके पहले बी नहीं होगा लेकिन बाद में सी होगा। तो हम पहले ए के की बात करते हैं, तो तत्काल पहले बी नहीं है ये तो सही है लेकिन तत्काल बाद में सी है ये गलत है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर हम एक पर आएंगे, तत्काल पहले बी नहीं है तो ये भी में इसमें बी है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर इस ए पे आएंगे, तत्काल पहले बी नहीं है ये सही है और तत्काल बाद में सी है। देखिए ये ए एक ऐसा है जो इस नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए तत्काल पहले बी नहीं है लेकिन तत्काल बाद सी है, ये आ गया। फिर इस ए के पहले आएंगे, तत्काल पहले बी नहीं है तो इसमें बी है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इस पे आएंगे, तत्काल पहले बी नहीं है, ठीक है, तो बी के अलावा दूसरा है लेकिन तत्काल बाद सी है, तो ये भी हमारा एक दूसरा ए मिला। जो इस प्रश्न में जो दिया गया है कंडीशन, जो शर्त लागू की गई है, शर्त रखी गई है, उसके अनुरूप ये भी ए है। अगले ए की तरफ देखेंगे, इसके तत्काल पहले बी है लेकिन तत्काल बी भी है और तत्काल बाद सी है, लेकिन यहाँ कहा है कि तत्काल पहले बी नहीं होना चाहिए तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी भी बात करेंगे कि इसके तत्काल पहले बी और सी, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें केवल दो ही ए ऐसे मिले हैं जो प्रश्न में दी गई शर्त को पूरा करते हैं। एक डी, दिए गए अंकों की श्रृंखला में कितने ऐसे पाँच हैं, फिर पाँच की बात कर रहा है, जिनके तत्काल पहले चार आता है, बाद की बात नहीं कर रहा है। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि कितने ऐसे पाँच हैं जिनके तत्काल पहले चार आ रहा है और इसके बाद कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, इसके बाद वाली शर्त ही नहीं रखी गई है। तो हम केवल ऐसे पाँच को देखेंगे, ऐसे पाँचों पाँच कितने हैं उनकी संख्या प्राप्त करेंगे जिनके ठीक पहले चार आता हो। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अभी पूर्व में बताया भी गया है कि हम केवल पाँच को देखेंगे कि इसमें कितने पाँच हैं। तो इस श्रृंखला को, जो अंकों की श्रृंखला है, उसको गिनेंगे, एक पाँच, दो पाँच, तीन चार, पाँच छः। अब देखना है कि जिसके पहले, तत्काल पहले क्या आता है, चार आता है, तो इसके तत्काल पहले छः आता है, इसको छोड़ देंगे।
अब इस पांच को देखेंगे, ये हमारा ग्रुप ऐसा है, ऐसा पांच है जिसके पहले चार आ रहा है, फिर पुनः पांच पे आएंगे, ये भी छोड़ देंगे क्योंकि पांच के पहले क्या आ रहा है, दो आ रहा है। इस पांच पे आएंगे, इसमें भी दिया है कि पांच के ठीक पहले चार आ रहा है। उसके बाद ये भी पांच है लेकिन पांच के पहले तीन आ रहा है, और एक ये पांच है जिसके पहले चार आ रहा है। तो ऐसे हमारे पांच कितने हुए, एक दो तीन, ऐसे पांच की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी। पुनः देखेंगे इस सवाल को, इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि जो यह श्रृंखला अंकों की दी गई है उस श्रृंखला में कितने ऐसे पांच हैं जिनके तत्काल पहले चार आता है। तत्काल पहले मतलब उसके बाईं ओर पहले चार आएगा, उसके दाहिने पांच होगा। तो पहले सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम पांच को पहले केंद्र में रखेंगे, देखेंगे पांच कहाँ कहाँ है, उसके बाद जो प्रश्न में शर्त दी रहती है उस शर्त के अनुसार हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ये पांच है जिसके पहले छः आया है, इसको छोड़ दिया हमने। उसके बाद ये पांच एक ऐसा है जिसके पहले चार आया है, एक ये पांच ऐसा है जिसके पहले चार आया है, एक ये पांच ऐसा है जिसके पहले चार आया है। तो इस प्रकार ऐसे पांच कितने हैं, तीन हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है, एक भी नहीं है, बी है तीन है, सी है तीन से अधिक है, डी दो है, ई एक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये पुनः एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला पर आधारित चार पांच प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय यह देख लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक ही जो शब्द है या अक्षर है या वर्ण है उसकी बार बार पुनरावृत्ति को हम आवृत्ति कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे P कितनी बार आया है, R कितनी बार आया है, S कितनी बार आया है, N कितनी बार आया है। चार वर्ण से ही यह पूरी श्रृंखला निर्मित है, तैयार की गई है, उसमें P, N, R, S यही चार शब्द हैं, P, N, R, S। तो सबको हम देखेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को हम बखूबी सॉल्व करेंगे। देखिए आवृत्ति, आवृत्ति मतलब, आवृत्ति मतलब दोहराव, दोहराव दोहराना। तो P कितनी बार आया है, P की आवृत्ति कितनी है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बार P कितनी बार आया है, ग्यारह बार। अब बात करेंगे N की, N कितनी बार आया है इस श्रृंखला में, एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, N कितनी बार आया है, तीन बार। अब R की बात करेंगे, R कितनी बार आया है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छः बार सात बार आठ नौ दस ग्यारह, R कितनी बार आया है, ग्यारह बार। उसके बाद S, एक और वर्ण बचा है, तो S कितनी बार आया है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, S कितनी बार आया है, बारह बार। अब चूंकि श्रृंखला दी गई होती है तो इसमें एक ही जैसे वर्ण होते हैं लगभग, तो इसलिए ये सही है, सही लिखे हैं या सही आया है कि नहीं आया है, क्योंकि अगर इसमें एक भी अंक गिनने में छूट जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हम इसमें, इस जो श्रृंखला है इसमें देखेंगे कि कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, वर्ण या लेटर, तो टोटल मिला लेंगे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस, सैंतीस हैं। अब जो हम लिखे हैं उसको काउंट कर लेंगे, ये कितने हैं, तो एक तीन चार, एक पाँच दो सात, अब एक तीन, सही, हमारा सब कुछ सही लिखा गया है, क्योंकि इस ये भी जितने हैं वो सैंतीस आ गया, ये भी सैंतीस ही है। अब पहला प्रश्न देखेंगे कि सर्वाधिक आवृत्ति का वर्ण कौन सा है, ऐसा कौन सा इस श्रृंखला में वर्ण है कि जो सर्वाधिक बार आया है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि 11 कितनी बार आया है, P कितनी बार आया है, 11 बार, N कितनी बार आया है, तीन बार, R कितनी बार आया है, 11 बार, S कितनी बार आया है। तो आवृत्ति मतलब वही वर्ण बार बार, आवृत्ति मतलब किसी भी वर्ण किसी भी संख्या का दोहराव, दोहराना, पुनरावृत्ति। तो जो S है वो सर्वाधिक बार आया है, आप इसमें देख रहे हैं, इस श्रृंखला से लिया गया है,
तो एस की आवृत्ति सर्वाधिक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एस। अब दूसरा प्रश्न, कितनी बार एस के तत्काल बाद आर आया है। अब पूछ रहा है दूसरा प्रश्न कि कितनी बार एस के तत्काल बाद आर आया है। अब इसके लिए हम एस को देखेंगे, जैसे आपको पहले बताया गया है। तो एस कहाँ कहाँ है, एक एस ये है, एक एस ए, ये एस आपका, फिर एस, फिर एस, फिर एस, फिर एस, फिर एस, फिर एस, फिर एस। अब पूछ रहा है कि कितने एस ऐसे हैं जिनके बाद में तुरंत बाद आर आया है। तो ऐसे एस को ध्यान में रखेंगे, ये एस है, इसके तुरंत बाद क्या आया है, पी आया है। ये एस है, इसके तुरंत बाद क्या आया है, एस आया है। लेकिन ये जो एस है, इसके तुरंत बाद क्या आया है, आर आया है, जो ये पूछ रहा है। फिर इस एस पे आएंगे, ये भी एस ऐसा है जिसके तुरंत बाद आर आया है। उसके बाद ये एस ऐसा नहीं है जिसके तुरंत बाद आर आया है, लेकिन ये एस ऐसा है जिसके तुरंत बाद आर आया है। ये भी एस ऐसा है जिसके तुरंत बाद आर आया है, ये भी एस ऐसा है जिसके तुरंत बाद आर आया है, और ये भी एस ऐसा है जिसके तुरंत बाद आर आया है। लेकिन ये एस ऐसा नहीं है जिसके बाद तुरंत आर आया है, ये पी आया है। लेकिन ये एक हमारा एस जो बच रहा है, इसके तुरंत बाद आर आया है। तो ऐसे एस की संख्या कितनी है जिसके तुरंत बाद आर आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे एस की संख्या कितनी है जिसके तुरंत बाद आर आया है, 7। तो हम ऑप्शन में तुरंत देखेंगे, ऑप्शन 3, 7, 6, 5 और 4, तो ऑप्शन बी हमारा 7 आ गया। देखिए, पुनः देखिए इस प्रश्न को। यह प्रश्न ऐसा है कि जो श्रृंखला दे दी गई है, इस श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में ऐसे प्रश्न आते हैं, आप परीक्षा की परीक्षाओं के पेपर को देखेंगे जिसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि कितनी बार एस के तत्काल बाद, बाद मतलब दाहिने ओर और पहले, पहले मतलब बाईं ओर, तो ऐसे कितने एस हैं जिनके तत्काल बाद आर आया है। तो ऐसे एस को हम पहले बिंदी लगा लेंगे या ऐसा लगा लेंगे कि इस श्रृंखला में एस हमें तुरंत दिखाई दे दे। तो ऐसे एस की संख्या कितनी है जिसके तुरंत बाद आर आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला हमारा प्रश्न देखिए, आर और एस के मध्य कितनी बार पी आया है। अब मतलब पूछ रहा है कि ये जो हमारा पी है, इसके पहले आर हो और इसके बाद में एस हो, तो ऐसे पी की संख्या कितनी है, आर और एस के मध्य कितनी बार पी आया है। तो ऐसे कितने पी हैं जिनके पहले आर है और बाद में एस है, तभी तो मध्य में होगा। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि ऐसा कितना लाल कलर का मार्कर है जो नीले मार्कर के बीच में आया है, वही बात कह रहा है कि ऐसे कितने पी हैं जो आर और एस के बीच में आए हैं। तो आर पहले मतलब, पहला मतलब बाएं तरफ, दूसरा मतलब दाहिने तरफ, आर बायां और एस दाहिना। तो ऐसे कितने हैं, तो सबसे पहले हम पी को देखेंगे, सबसे पहले हम पी को देखेंगे कितने पी आए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमारा पी हो गया। तो अब देखना है कि आर और एस के बीच में कितने पी हैं, आर और एस के बीच में, देखिए एस और आर के बीच में नहीं, आर और एस के बीच में कितने पी हैं। देखिए, तो पी देखिए ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है, एक ये हमको मिला जो कहाँ पे है, आर और एस के बीच में है। आपको दिखाई दे रहा होगा आर और एस के बीच में, ये हमारा पहला पी मिला। और दूसरे, फिर पी के तरफ बढ़ते हैं, ये भी एक ऐसा पी है जो आर और एस के बीच में है, दो पी ऐसा मिल गया। फिर इस पी के एस और एन के बीच में है, अब ये हमारी बात ख़त्म हो गई। और एक तीसरा एस भी, पी भी है, देखिए जो ये वाला R और ये S, तो ये हमारा 3 P मिला। तो ऐसे कितने P मिले, 1 और 1 ये 2 और 1 ये 3। तो हम देखेंगे R और S के मध्य कितनी बार P आया है, तो 3 बार। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, B। देखिए, पहला P ऐसा जो R और S के बीच में आया है, ये वाला, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है,
आर है, उसके बाद श्रृंखला में पी है और एस है, तो एक ये वाला भी पी हो गया जो हम यहाँ बात किए हैं, उसके बाद एक पी ये हो गया। तो हमें श्रृंखला में कितने ऐसे पी मिले जिनके मध्य, जिनके बाईं बगल आर और दाहिने तरफ एस है, या आर और एस के मध्य पी आया है, ऐसे कितने पी हैं? तो तीन है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला हमारा प्रश्न है, इस श्रृंखला से संबंधित दिया है कि समान आवृत्ति के वर्ण कौन कौन से हैं। आवृत्ति मतलब ऐसे कितने वर्ण हैं, वर्ण मतलब लेटर अक्षर, कि जिनकी संख्या इस श्रृंखला में बराबर बराबर है, बराबर बराबर बार आए हैं। तो हम यहाँ पे श्रृंखला लिखे ही हैं, देखिए पी भी 11 बार आया है और आर भी 11 बार आया है, पी भी 11 बार आया है, आर भी 11 बार आया है। तो पी और आर, पी और बार आर इस श्रृंखला में ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति बराबर है, तो इसमें जो पी और आर वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पी और आर, पी भी कितनी बार आया है, 11 बार, और आर भी 11 बार, पी की भी आवृत्ति 11 है और आर की भी आवृत्ति 11 है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, श्रृंखला वर्ण क्रम परीक्षण में। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करें, चैनल को अगर आप नए पाठक हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप अपने विचार भी कमेंट में दे सकते हैं, आप हमसे फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप या टेलीग्राम से भी जुड़े रह सकते हैं, उसके लिए आप 7081788388 नंबर पे अपना नाम लिखकर सेंड करें। आप हमारे साथ जुड़े रहे, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।